करण जी, जो 3 दिन का प्रोटेस्ट रहा जामिया का, उसका आपके हिसाब से आउटकम क्या रहा और आज जो सिचुएशन खड़ी है इससे आगे क्या सिचुएशन जा सकती है? देखिए, अगर हम बात करें जामिया के प्रोटेस्ट की, तो जहाँ तक संडे की प्रोटेस्ट थी, तो संडे का प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हुआ था, जिसमें हमने देखा कि करीब 14 बसों को आग लगाई गई थी और करीब 20 मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा छोटी गाड़ियों को आग लगाई गई थी। पर संडे के बाद कल का दिन सोमवार और आज का दिन मंगलवार, इन दोनों दिनों में हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर शांति देखी है। परसों जिस तरह से लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई, टीयर गैस के सेल्स भी फेंके गए, लाठीचार्ज हुई स्टूडेंट्स पे, उसका आक्रोश बच्चों में देखा जा रहा था। पर वहीं जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जो जामिया के टीचर्स हैं और जो जामिया के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक बड़ी अच्छी चीज़ मिसाल के तौर पे लोगों के सामने रखी कि वायलेंस होने के बावजूद इन लोगों ने न सोमवार को और न मंगलवार को किसी भी तरह की कोई वायलेंस एक्टिविटी वहाँ होने नहीं दी है। किसी भी तरह की कोई हिंसा की खबर नहीं आई, बच्चों ने एक दूसरे का साथ दिया। यहाँ तक कि जो लोकल इलाके के वहाँ पे लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के लिए वहाँ पे उनको खाने की चीज़ें लाकर दे रहे थे, पानी पीने के लिए लाने के लिए दे रहे थे उनको, और इस तरह की तमाम चीज़ें उनको मुहैया करा रहे थे ताकि ये अपना प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करते जाएं। मैं आज सुबह खबर आई कि करीब 10 लोगों पे मुकदमा और FIR दर्ज कर ली गई है, और जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पे FIR दर्ज हुई है, उनको सबको हिस्ट्री शीट रखा जा रहा है। तो उस पे आपका क्या है, और क्या वो जो ये FIR दर्ज हुई है, इससे ये प्रोटेस्ट को और आग मिलेगी अब आगे जाके? देखिए, आज वहाँ पे जितने भी लोकल मस्जिद थे तो उनके सारे इमाम साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन लोगों में एक खुशी की लहर ये थी कि मीन्स जो 10 लोग अरेस्ट हुए हैं वो हिस्ट्री सीटर्स रहे हैं, उनका जामिया यूनिवर्सिटी के साथ किसी तरह का कनेक्शन नहीं था। बट उनके साथ में जिन स्टूडेंट्स को चोटें आई हैं, हमने उनसे भी बात की, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ थे जिनको चोटें आई हैं, हमने कल भी बात की थी, आज भी बात की। उनका कहना है कि अगर जब जामिया के स्टूडेंट्स ने इस तरह की उपद्रव वहाँ नहीं फैलाई थी, तो आखिर पुलिस को किसने राइट दिया था उनके सेंट्रल लाइब्रेरी में इन करने का? जामिया के स्टूडेंट्स ने यहाँ तक कहा कि 1920 का जो बॉयकॉट मूवमेंट इंडिया स्टार्ट हुआ था, तो जामिया तक पहुँचा था, और 1920 से लेकर अब तक, मीन्स इस साल 100 साल होने जा रहे हैं, और अभी तक उनके कैंपस में पुलिस इंटर नहीं की थी, और ये पहली बार पुलिस उनके कैंपस में इंटर की। तो इस बात का उनको दुख है कि पुलिस ने उनके कैंपस के अंदर घुस के उन पर लाठीचार्ज किया, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनकी पिटाई की, तो इससे उनमें काफ़ी गुस्सा है। और जो इमाम भी वहाँ पे जितने आए हुए थे, उन लोगों ने भी होम मिनिस्टर अमित शाह से उन्होंने आंसर्स मांगे हैं कि आखिर पुलिस किनके कहने पे उन बच्चों के साथ बर्बरता की, उनको की पिटाई की, लाठीचार्ज किया उन पर, और टीयर गैस के शेल भी फेंके लाइब्रेरी में जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। पर क्या आपको लगता है जो अब ये एक मलाल है बच्चों के मन में, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मन में और लोकल्स के मन में, कि जामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली पुलिस घुसी, बच्चों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, और जो जैसे वाइस चांसलर ने भी कहा कि जामिया का नाम खराब हुआ इस इंसिडेंट से पूरा, तो वो आगे जाके कहीं प्रोटेस्ट को एक फ्यूल देगा और आग देगा इस प्रोटेस्ट को? देखिए, अभी ये कहना कि आगे जाके और फ्यूल देगा, तो ये अभी बहुत जल्दी होगी इसमें कहने में। अभी जिस तरह से जामिया का प्रोटेस्ट जा रहा है, बेशक अभी छुट्टियां हो चुकी हैं, 5 जनवरी तक छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी में, काफ़ी बच्चे जा चुके हैं कैंपस से, उसके बावजूद करीब 2 से 3 हज़ार बच्चों की तादाद अब भी वहाँ मौजूद है, और वो लोग अपने डिमांड्स पे अड़े हुए हैं कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC का बहिष्कार करते हैं और हम इस पे पीछे नहीं जाएंगे। तो ये डिमांड उनकी बनी हुई है, अब आगे यही देखना होगा कि ये आगे अपनी प्रोटेस्ट को किस तरह से ले जाते हैं। आज हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद किस तरह से लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और काफ़ी गाड़ियों पे भी पथराव किया, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। हमारे संवाददाता रोहन अग्रवाल जो वहाँ उस वक्त स्पॉट पे मौजूद थे, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं वहाँ की स्थिति की, आखिर क्या हुआ उस वक्त। रोहन, आप बताएं हमें कि क्या स्थिति थी वहाँ पे, जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? असल में लोकल्स का भी यही कहना था और जो हम लोगों ने भी देखा कि प्रोटेस्टर्स आराम से चल रहे थे, अचानक से एकदम से पथराव होना शुरू हुआ। तो लोकल्स का कहना, और लोकल्स के साथ साथ मैं कहूँगा सीलमपुर और जाफराबाद का जो लोकल है, जो वहाँ रहने वाला निवासी है, उसका साफ कहना था कि कुछ लोग मास्क पहन के आए हुए थे, जिनके मुँह पर नकाब था, उन्होंने आके एकदम से पथराव शुरू किया और साथ में नारे ऐसे लगाने शुरू करे कि निवास उस एरिए के निवासी लोग जो थे, उनके यूथ, खासकर से जो टीनेज होती है, 19 से 20-21 साल के जो लड़के थे,
वो भी एकदम से इंसाइट हो गया और फिर एकदम से उन्होंने पथराव शुरू किया। तो इस सब चीज़ों से जो हुआ कि एकदम से ये कन्फ्रंटेशन जो था, दिल्ली पुलिस जो बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी थी वो आगे आई, उन्होंने लाठी चार्ज किया, टियर गैस करी और दो राउंड फायर जो है हवा में भी बताए जा रहे हैं करे गए हैं। आपने जब वहाँ पुलिसकर्मियों से बात की तो उनका क्या कहना था, आखिर उनको ऐसा अंदेशा क्यों नहीं हुआ कि इतने तादाद में लोग वहाँ आ जाएंगे और उन पर इस तरह से पथराव होगा, लोगों को भी चोटें आएंगी, तो पुलिस की ये नाकामी कहाँ तक आपको दिखती है? दिल्ली पुलिस एक हद तक तैयार थी पर उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि पथराव हो जाएगा। उन्हें ये उम्मीद दिल्ली में खास तौर से नहीं थी कि दिल्ली जैसे शहर में, नेशनल कैपिटल में भीड़ एकदम से पथराव पे उतर आएगी। जो हमने देखा अभी हाल फिलहाल में पिछले 5 से 6 दिनों में ही हुआ है कि पथराव एक तरीके से एक जरिया बन गया अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का, जो दिल्ली पुलिस भी तैयार नहीं थी, खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली की। साउथ दिल्ली को समय एक्सपीरियंस हो गया है फिर भी पथराव झेलने का, पर फिर भी जो उनका रिस्पॉन्स रहा है दिल्ली पुलिस का वो बहुत फास्ट कहा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पथराव हुआ, जिस संख्या में वहाँ प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उस संख्या को काबू में लाना 3 से 4 घंटे में वो भी बहुत मुश्किल रहा होगा, पर उसको काबू में लाया गया। वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उस एरिया के, उनको इन्वॉल्व किया गया। दिल्ली पुलिस ने भले ही शुरू में लाठी चार्ज किया, फोर्स लगाई, पर फिर बुजुर्गों को बुलाया गया, समझदार लोगों को बुलाया गया, उन्होंने अपने अपने घर से या अपने आसपास के जो निवासी यूथ थी, जो लोग थे, उनको समझाया कि हिंसा करके कोई फायदा नहीं है, इससे आपका नाम खराब होता है। हमने लाउड स्पीकर पे भी सुना, मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा था, लोगों से अपील की जा रही थी, तो किस तरह की अपील वहाँ पे लोग कर रहे थे? लोगों का साफ कहना था कि प्रोटेस्ट करना है, लोग वहाँ NRC और CAA के, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के सख्त खिलाफ हैं, ये वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है पूरा। पर लोगों का साफ कहना है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं हर किसी को इसमें नहीं ले सकता, पर जो बड़े बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, उन सबका कहना यही था कि कोई भी प्रोटेस्ट आपको अगर करना है तो उसमें पथराव कोई जरिया नहीं हो सकता। पथराव जो कि अभी हाल ही में एकदम से ट्रेंड में आया है, इसको बिल्कुल वो वहाँ के लोगों का कहना है जरिया नहीं हो सकता। कोई हिंसक तरीका नहीं है प्रोटेस्ट जाहिर करने का, दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ियों में, बाइकों में तोड़फोड़ कोई जरिया नहीं है। तो उम्मीद ये करी जा सकती है अगर वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने और समझदार लोगों ने अभी भी मोर्चा संभाले रखा तो शायद प्रोटेस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल हो सकता है, पर ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये पक्की बात है बिल्कुल। तो ये थे रोहन अग्रवाल जो हमें बता रहे थे सीलमपुर में आखिर क्या हुआ और उसके बाद कैसे भीड़ इतनी उपद्रव होगी कि उन लोगों ने लोगों पे और गाड़ियों पे वहाँ पे पथराव कर दिया और उन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। INS TV के लिए आनंद सिंह, न्यू दिल्ली।